अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिया और आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही इजी सा चिकन कबाब। बट बिफोर हेडिंग टू द रेसिपी, लेट मी शो यू गाइस डालडा की इम्यूनिटी किट। डालडा ने रिसेंटली अब लॉन्च करवाया है कलौंजी कोनोला ऑयल, विच इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, डी एंड ई, ओमेगा 3 एंड 6। कलौंजी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो आज की रेसिपी में आज हम यूज़ करेंगे डालडा का कलौंजी कोनोला ऑयल, ठीक है। और फिर मैं भी अब थोड़ी देर में आपसे पूछ लूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट करती हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन का कीमा 1/2 किलो, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और इस कबाब की खास बात यह है कि इसमें बार्निंग एजेंट कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप बीफ या मटन का कीमा यूज़ करें तब आप इसमें अंडे, ब्रेड स्लाइस या फिर चाहें तो भुना और वह बेसन आप ऐड ज़रूर कर सकती थी। तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद आपने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, कबाब की फॉर्म दे देनी है, ठीक है। कबाबों की मैंने शेप बना ली थी, अब इसमें मैंने डाला, पैन को गरम किया, कलौंजी कोनोला ऑयल डाला और एक एक करके आप अपने कबाबों को फ्राई कर लें। अच्छा, बस ध्यान ये रखिएगा कि कबाबों को आपने ओवर फ्राई नहीं करना अपना। वेजिटेबल्स भी आप इसमें ग्रिल कर लीजिए। झटपट ईजी से चिकन कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको पराठे और रायते और ग्रिल्ड वेजीज के साथ अब सर्व कीजिए। तो ये थे एक मेरी रेसिपी अपनी फैमिली की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आप अपनी फैमिली की इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट करती हैं, मुझे अपनी स्टोरीज़ पे टैग कीजिए और डालडा को भी टैग कीजिए और हमें बताएं आप अपनी फैमिली की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करती हैं। मैं तो वैसे सुबह नहा लूँ, 2 चुटकी कलौंजी खा लेती हूँ, अपने बच्चों को भी खिला देती हूँ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।